मां शिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, श्रद्धालु मंदिर में नतमस्तक होकर भगवान से सुख समृद्धि की कामना मांग रहे हैं, वहीं एक दुखद घटना इस परिसर में देखने को मिली, जहां लगभग एक 20 वर्षीय युवक तालाब में स्नान करने के दौरान हादसे का शिकार हो गया और गहरे पानी में डूब गया। मात्र कुछ ही मिनटों में गोताखोर प्रगट सिंह की टीम ने युवक के शव को तालाब के बीचों बीच गहराई से बाहर निकाला। गोताखोर प्रगट सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी और उन्होंने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मात्र 5 मिनट में ही युवक को पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि युवक की डूबने से मौत हो चुकी है। जी नमस्कार सर, ये महज 7-8 मिनट पहले कुरुक्षेत्र से ही फैमिली के माध्यम से कॉल गया था कि हमारा जो भाई है वो शिव मंदिर के अंदर डूब गया है। तो महज यहाँ से 5 किलोमीटर पर हमारा गांव था और महज 5 मिनट में हमारी टीम अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुँच गए थे और पुलिस की मौजूदगी में हमने जो शव था उसको निकाल कर पुलिस और परिवार के हवाले कर दिया। क्या कुछ लगता है कि वो आज शिवरात्रि का पर्व है, बच्चा नहाने के मकसद से गया था, आप तो गोताखोर हैं, कई शव को आप निकाल चुके? जी अभी तक तो यही पता चल पा रहा है कि नहाने के माध्यम से हो, क्योंकि बंद पानी है तो कई बार बच्चे रेलिंग को फांद कर अंदर चले जाते हैं, पानी का अंदाजा नहीं लगा पाते क्योंकि रेलिंग के अंदर पानी 4-5 फुट आगे जाके एकदम 15 फुट आ गया, तो हो सकता है इसी चीज़ का हादसा हुआ हो। तो आज के लिए मेरी टीम साथी सिंदर नरेंद्र गुरविंदर वीर का धन्यवाद और एक बार फिर हम महज 5 मिनट में पहुंचकर एक लाश निकालकर अपनी सेवा को सफल कर पाए। वहीं थाना कृष्णा गेट प्रभारी प्रतीक कुमार ने बताया कि मंदिर में ड्यूटी के दौरान उन्हें सूचना प्राप्त हुई, मौके पर गोताखोर प्रगट सिंह को भी बुलाया गया। मृतक युवक की पहचान गुरु नानकपुरा मोहल्ला निवासी शुभम के रूप में हुई है। फिलहाल युवक के शव को LNJP हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, मंदिर में तालाब है, वहाँ पर एक बच्चे को डूबने की सूचना मिली थी, तो पुलिस वैसे ही मेला ड्यूटी पे भी यहाँ पर तैनात थी। जैसे ही सूचना मिली हमने मौके पर पहुँच गए, गोताखोर को बुला लिया और अभी बच्चे को निकाल लिया, अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। खबरनामा हरियाणा के लिए परजन्य शर्मा की रिपोर्ट।